अपने खुद के उसूल बनाओ। दुनिया वाले तो तुम पर हमेशा उंगली उठाएंगे ही, हर मोड़ पर 100 सवाल साथ लेकर आएंगे ही, पर तुम अपनी उम्मीद के पुल को डगमगाने मत देना। हर उस घर में मिठाई जाएगी जहां से आवाज आई थी, तू नहीं कर सकता। माँ काबिल सभी रहते हैं, मेहनत भी सभी करते हैं, लेकिन आगे वही जाता है जिसे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलता है। अपना टाइम मत वेस्ट करो आदि, पहले अपना करियर बनाओ। प्यार करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है, बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं कल नहीं, लेकिन जरूर आप कामयाब होगे अगर आप उसे जीने लग जाओगे एंड उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, उस पे काम करने लग जाओ। ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए, बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुन। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक वैसे ही ये लव नाम की चीज है ना, दिस इज ऑल्सो इंजूरियस टू यूथ, ये उसे बिगाड़ देता है। ये शब्द लव, LOVE का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरिंग इमोशंस। जब उम्र बढ़ जाती है ना, तो लव यू के मतलब भी बदल जाते हैं, और जब मतलब बदल जाते हैं तो लड़की भी बदल जाती है। आज राधा है, कल सीता होगी, परसों गीता होगी, और उसके बाद हो सकता है परीता आ जाए, और आखिर में दिल टूट। कौन कहता था कि अकेला आदमी, अकेला 12 साल का बच्चा, जाधव मोलाई पयांग, आसाम में बाढ़ आने से पूरा जंगल तबाह हो जाएगा, और एक 12 साल का बच्चा अपने आप से कसम खाएगा, प्राण रहेंगे इस शरीर में तब तक आसाम में पेड़ लगाऊंगा। 12 साल के बच्चे ने अकेले ने जंगल खड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट, एक अकेले बच्चे ने 1300 एकड़ में, जाधव मोलाई पयांग ने। एक चीज, सिर्फ माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के बारे में नहीं सोचते, बच्चों को भी माँ बाप की खुशी प्यारी होती है। एक दिन वो सब लोग जो हमें लगता है कि हमारे साथ हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसके बावजूद हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। कोई भी चीज हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दैट्स लाइफ। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। जिंदगी में दो चीजें कभी मत खोना, जन्म देने वाले माता पिता और जान देने वाला वफादार दोस्त।